इस कवर्धा से बड़ी खबर है। कवर्धा विधानसभा में बीजेपी दावेदारों की संख्या में बढ़ोतरी, 20 से अधिक लोगों ने पंडरिया विधानसभा में दावेदारी की। दावेदारों की लिस्ट बनी, बीजेपी के लिए चुनौती, पंडरिया विधानसभा के पर्यवेक्षकों ने बैठक ली है। बीजेपी कार्यालय में उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने इस मौके पर कांग्रेस सरकार को भी घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के गृह जिला कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में बीजेपी दावेदारों की बढ़ती संख्या पार्टी के लिए कड़ी चुनौती बनती जा रही है। पंडरिया में करीब 20 उम्मीदवारों ने दावेदारी दी है, जिसको लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। वहीं पंडरिया विधानसभा के पर्यवेक्षक गौरी शंकर और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरा थी। हमारी सांगठनिक बैठक है, जिसमें हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न मुद्दों में हमारी सांगठनिक कार्यक्रम भी है, जो इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। कवर्धा विधानसभा में ये कार्यक्रम बहुतायत आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ हम चुनाव में जा रहे हैं, तो रायशुमारी करना कार्यकर्ताओं के साथ में, ये हमारी पुरानी पद्धति है, हमने उस पद्धति का पालन किया है। हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और मुख्यमंत्री जी को बार बार इस विषय को कहने के बजाय मैदान में आके सामना करना चाहिए। 2023 में